हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम दो रंग का एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाना सीखेंगे। इस डिजाइन को आप कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, कहीं पर भी बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। इसके लिए आपको दो कलर लेने हैं, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर। डार्क कलर से आपको बॉर्डर बनाना है और लाइट कलर हम इसमें बेस कलर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने मर्जेंटा कलर से फंदे डाल दिए हैं और क्रीम कलर हम इसमें बेस कलर ले रहे हैं। यहाँ पर फंदे लेने हैं 10 की मल्टीपल में प्लस 4 प्लस 2। तो यहाँ पर 10 के मल्टीपल में 20 प्लस 4 प्लस 2 करके 26 फंदे हमने अपनी सिलाई पर डाले हुए हैं। इस डिजाइन को बनाना शुरू करें उससे पहले हमें दो फाउंडेशन रो बनानी है, जिसमें हम सीधी साइड से सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इन दोनों रो को हम बना लेते हैं। देखिए, जिस कलर से आपने बॉर्डर बनाया है उससे सेकंड कलर, जो लाइट कलर हमने लिया है, उससे हमें इन दोनों रो को बनाना है राइट साइड में। ये सीधी साइड में हम हैं और यहां पर सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये सारे फंदे हम यहां पर सीधे बुनते जाएंगे एक एक करके। ये जो दो फाउंडेशन रो हम बनाएंगे, इसको हमें सिर्फ स्टार्टिंग में बनाना है, इसको बाद में हमें रिपीट नहीं करना है। देखिए, सीधी साइड से हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब आ जाते हैं बैक साइड में। यहाँ पर सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने दोनों फाउंडेशन रो बनाकर तैयार कर ली हैं। यहाँ से हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। डिजाइन बनाने के लिए हम वो कलर लेंगे जिससे हमने बॉर्डर बनाया है। और देखिए, पहला फंदा, ये एज स्टिच है, इसको हम सीधा बना लेंगे। ये हमने सीधा बुन लिया। इसके बाद चार फंदे, यहां से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे 10 फंदों का। चार फंदे हम स्लिप करेंगे। ये देखिए, चार फंदे हमने स्लिप किए, छह फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये देखिए, चार फंदे हमने स्लिप करने हैं और छह फंदे सीधे बुनने हैं। ये 10 फंदों का पैटर्न रहेगा। इसको हमें पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करते जाना है। जब आप अपने सिलाई के एंड में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके सिलाई पर पांच फंदे होंगे, चार आप स्लिप कर लेंगे और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। बैक साइड में आ जाते हैं। पहला फंदा एज स्टिच, इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये हमने उल्टा बुना। इसके बाद चार फंदे हम स्लिप करेंगे, जो हमने पिछली सिलाई में स्लिप किए थे उन्हें हम इस बार भी स्लिप करेंगे। धागा पीछे करेंगे और जो फंदे हमने बुने थे इन्हें हम सीधा बुनेंगे। हम बैक साइड में हैं, उल्टी साइड में हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें सीधा ही बुनेंगे। धागा अपनी साइड करेंगे, चार फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके छह फंदे सीधे बुनेंगे।
फिर से धागा अपने साइड, चार फंदे स्लिप करेंगे। अब देखिए एज स्टिच है हमारे पास, इसको हमें उल्टा ही बनाना है तो हम इसे उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो जाती है। फिर से आ गए हैं हम राइट साइड में, सीधी साइड में। तो यहां पर देखिए, अब हम अपने लाइट कलर का यानी क्रीम कलर का यूज करेंगे। ये पहला फंदा एज स्टिच, इसको हम सीधा बुनेंगे। अब यहां से देखिए चार फंदे हमारे पास हैं जिन्हें हमने स्लिप किया था, इसमें से हम दो फंदे बुनेंगे, एक दो, ये दो फंदे हमने बुन लिए। अब बाकी बचे दो फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे और यहां पर एक छोटा सा केबल बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, इसको हमने उतारा और इधर से हम एक फंदा लेंगे, इधर से दो नहीं लेने हैं, इधर से हम मर्चेंटा एक फंदा लेंगे और इस तरह से देखिए मर्चेंटा फंदे को पीछा रखेंगे और इन दोनों को आगे की तरफ से इस तरह से देखिए हमने ट्विस्ट कराना है। अब तीनों फंदे एक एक करके हम सीधे बुनेंगे, ये देखिए तीनों फंदे हमने बुन लिए। अब हमारे पास पांच मर्चेंटा फंदे हैं जिसमें से हम चार बुनेंगे। ये हमने चार बुन लिए, एक फंदा बचा हुआ है, इसको हमें फिर से इसी तरह से एक छोटा सा केबल बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना है मर्चेंटा फंदा पीछे की तरफ रहे, ये पीछे रहा, उधर से हम दो फंदे देखिए इस तरह से घुमाते हुए इधर ले आएंगे। अब तीनों फंदे एक एक करके हमें बनाने हैं, ध्यान रखना एक साथ नहीं बनाने हैं, एक एक करके हमें तीनों फंदे सीधे बुनने हैं इस तरह से। फिर से इसी तरह से करेंगे, बहुत इजीली ये बन जाता है। हमें एक फंदा लाना है मर्चेंटा और दो फंदे हमें लेने हैं क्रीम, उनका हमें ट्विस्ट करके केबल बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया। अब आप देखेंगे लास्ट में हमारे पास तीन फंदे हैं, इनको तीनों को हम एक एक करके सीधा बुन देंगे। यहां पर हमें केबल नहीं बनाना है, जैसे स्टार्टिंग में हमने नहीं बनाया था उसी तरह से लास्ट में भी हम नहीं बनाएंगे। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड में सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। देखिए बैक साइड से रो फोर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर देखिए डिजाइन हमारा दिखना यहाँ शुरू हो गया है। चलिए अब आ जाते हैं फिर से फ्रंट साइड में रो फाइव के लिए। यहाँ पर फिर से हम मर्चेंटा कलर का यूज करेंगे। कैसे बुनेंगे, पहला फंदा एज स्टिच, इसको हमने सीधा बुना, इसे हम डिजाइन में काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद यहां से देखिए हमें पांच फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार और पांच। पांच फंदे सीधे बनाने के बाद यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, चार फंदे स्लिप करेंगे और छह फंदे सीधे बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने पांच फंदे बनाए हैं डिजाइन एडजस्ट करने के लिए, तो आपको स्टार्टिंग में पांच ही फंदे बनाने हैं। इसके बाद चार फंदे स्लिप करते जाएंगे, छह फंदे सीधे बनाते जाएंगे। देखिए जब आप लास्ट में आ जाएंगे तब आपके पास फिर से पांच फंदे होंगे और एक एज स्टिच जिसको भी हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से ये रो फाइव हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बैक साइड में आते हैं, पहला फंदा एज स्टिच, इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे,
और 5 फंदे जो हमारे डिजाइन के फंदे हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और 4 फंदे हम स्लिप कर लेंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे। और इसी तरह से अपनी इस रो को हम कंप्लीट करते जाएंगे। मर्चेंटा फंदे सीधे बुनते जाएंगे, क्रीम फंदे हम स्लिप करते जाएंगे। देखिए बैक साइड रो कंप्लीट हो गई है। फिर से आ जाते हैं फ्रंट साइड में। यहां पर हम क्रीम कलर का यूज करेंगे और देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा ये हम सीधा बनाएंगे, एज स्टिच है इसको हमने सीधा बनाया। अब देखिए हमारे पास 5 फंदे हैं, 5 में से हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद यहां पर फिर से हमें केबल बनाना है, तो हम फंदों को ट्विस्ट करेंगे। 1 मर्चेंटा फंदा और 2 क्रीम फंदे। देखिए इस तरह से तीनों फंदे हम सीधे बुनेंगे। चलिए फिर से करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा केबल बनकर तैयार हो गया। अब बीच में 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। फिर से इसी तरह से करेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड से रो 7 कंप्लीट हो गई है। बैक साइड में आ जाते हैं और इसमें सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। देखिए बैक साइड से रो 8 हमारी कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ ये हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब इन 8 सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन हमारा आगे बनता जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो हमने शुरू में 2 फाउंडेशन रो बनाई थी उन्हें रिपीट नहीं करना है। जहां से हमने डिजाइन बनाना शुरू किया है उन 8 सिलाइयों को रिपीट करेंगे। तो ये देखिए डिजाइन हमारा इस तरह से बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन हमारा दिखाई देगा। देखिए कितना सुंदर ये लगता है, आप इसे जरूर ट्राई करें। ये डिजाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालें बहुत सुंदर लगता है। कैसा लगा ये डिजाइन जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप आगे ही ऐसे इजी और सुंदर डिजाइन देखते रहें। थैंक यू।